गर्मियों में बाल इतने बेजान हो जाते हैं, इतने रूखे हो जाते हैं, इतने बालों में उलझने हो जाती हैं कि बाल काढ़ो तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी बिफोर और आफ्टर की पिक देखिए, इतने बाल बेकार हो रहे हैं कि बाल इतने उलझे पड़े हैं कि आप कुछ मत पूछिए। लेकिन मैंने एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जिससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, सिल्की हो गए, मैनेजेबल हो गए और सारी जो गांठें थी वो निकल गई और बालों का झड़ना जो होगा कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बेकार बाल हो रहे थे, तो मैंने इस रेमेडी को जो है इस्तेमाल किया। इससे आपको कई सारे बेनिफिट होंगे, बाल नहीं बढ़ते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं होता, हेयर ग्रोथ होगा, हेयर फॉल की समस्या दूर होगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल होंगे। इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी और इसके कई सारे बेनिफिट हैं गर्मियों में। गर्मियों में हमें बालों की और एक्स्ट्रा केयर करनी होती है तो आप इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले इन्ग्रीडियंट चाहिए वो है दही। आप दही खट्टा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर जो भी दही है तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कम से कम 4 से 5 चम्मच यहाँ पर दही लेने वाली हूँ क्योंकि मेरे बाल जो हैं कमर से नीचे हैं, मतलब घुटनों तक तो हैं, घुटनों से थोड़े से ऊपर हो सकते हैं, तो मेरे बालों के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपके बाल छोटे हैं या फिर मेरे बराबर हैं तो आप इतनी ही क्वांटिटी में जो है दही ले लीजिए। दही जो खट्टा होता है वो हमारे बालों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर दही लेने के बाद आपको इसमें और एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है जो कि है एलोवेरा जेल। आप चाहे एलोवेरा फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, प्लांट लीव्स लीजिए और उसका पल्प निकाल के आप मिक्सी में घुमाइए, पतला कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मार्केट वाला क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ प्लांट नहीं है और जाहिर सी बात है मैं किराए पर रहती हूँ तो फिर बहुत मुश्किल होता है घर पर खुद की प्लांट लगाना, तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्केट वाला 3 चम्मच जो है मैंने एलोवेरा लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है एलोवेरा, बहुत ही मतलब अच्छा है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करना पसंद करती हूँ। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करें फ्रेंड्स। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बालों को, बालक के जो हेयर फॉल होते हैं बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ़ रहते हैं और बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए गर्मियों के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके 15 दिन में आपके बालों में डिफरेंस आ जाएगा। आपको वीक में एक बार लगाना है, अगर आप वीक में 2 या 3 बार भी लगाना चाहते हैं तो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी है ये, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद किस तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है या मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड, उससे पहले मैं अपने बालों की पूरी तरीके से कंडीशन दिखाती हूँ। इतने बेकार हो रहे थे बाल क्योंकि कुछ टाइम से मैं अपने बालों की केयर नहीं कर पा रही थी तो बहुत ज़्यादा बेकार से हो गए। मैं दिखाती हूँ, आप देखिए बाल। ये मैं बाल आपके सामने खोल रही हूँ और सबसे ज़्यादा आलस है मुझे बाल काटने का, मुझे बाल ज़्यादा काटना अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरे बाल जो है रफ़ हो रहे हैं और इतने उलझे हुए हैं कि खुद ही मन नहीं करता कंघा करने का, वो इसलिए क्योंकि बाल इतने उलझ गए हैं, जब कंघा करो तो फिर क्या होता है हेयर फॉल जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक कारण ये भी हो जाता है कि बाल जब ना काढ़ो तो दोबारा इसलिए मन नहीं करता कि बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, काढ़ेंगे तो बालों में दर्द भी होगा और टूटेंगे भी बहुत, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो चौड़े दांतों का कंघा आता है वो यूज़ करना चाहिए, उससे क्या होता है हेयर फॉल नहीं होता है। मैं वही यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा ही मेरे बाल जो उलझ जाते हैं तो फिर मैं वही यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं गांठें सी पड़ गई हैं। उसके बाद ये मैंने रेमेडी लगाई और मेरे बाल इतने कमाल के हो गए, बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो गए। अगर आप हेयर वॉश करने के बाद भी बाल नहीं काटेंगे ना तब भी आपके बाल सुलझे हुए रहेंगे। जी हाँ, इसलिए मैंने ये रेमेडी बहुत पसंद करती हूँ, मैं इस रेमेडी को इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको थोड़े थोड़े सेंक्शन लेने हैं और इस तरीके से जैसे पार्लर में स्पा नहीं करते हैं, क्रीम लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं तो इस तरीके से ही लगाते हैं। तो आपको अपने मतलब जड़ों से लेकर आपको अपने पूरे बालों की लेंथ तक अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और की मदद से भी ये लगवा सकते हैं, जैसे आप
आप अगर खुद लगा सकते हैं तो आप खुद लगाइए, अगर किसी और से लगवाना चाहते हैं तो किसी और से लगवाइए। जाहिर सी बात है अगर आप खुद से लगाएंगे तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा अगर आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं, लंबे हैं तो आप दूसरे से लगवाइए, और इससे क्या होगा कि आपके बालों में और अच्छे से लग पाएगी ये, और आपके बाल आपको आराम भी लगेगा अपने बालों में लगवाते हुए। तो इस तरीके से आपको पूरे बालों में लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीक में आप एक बार ज़रूर लगाएं, अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप वीक में 2 या 3 बार भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको रखना, सबसे बड़ी बात आती है कि हमें इसको रखना कितने टाइम तक है, तो फ्रेंड्स आपको मिनिमम 30 मिनट तक रखना है। अगर आप 20 मिनट भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 30 मिनट आप रखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप बन बना लीजिए, और जब 30 मिनट हो जाए तो उसके बाद जो है आप माइल्ड शैम्पू से जो है हेयर वॉश कर दें। मैं वाटिका शैम्पू यूज़ करती हूँ, कई बार आप लोगों ने पूछा है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, तो मैं वाटिका शैम्पू यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है राजपूत गंगवार ब्लॉग से, अगर आपने वो उस चैनल पे नहीं गए हैं तो उस चैनल पे जाएं और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और ये जो रिज़ल्ट है आपके सामने है, बाल बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे कि इतने अच्छे बाल हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा।